देखिए फ्रेंड्स, आज हमने ना आप लोगों के साथ शेयर किया है गोभी का पराठा। हमारा जो ये पराठा है ना, बहुत बढ़िया फूला है और कहीं से फटा वटा नहीं है। हम आपको दिखाते हैं इसको खोल के। इधर देखिए कितना बढ़िया से फूला है, देखिए, और स्टफिंग सभी जगह फैला है फ्रेंड्स। तो आप लोग ना इस रेसिपी को लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ना गोभी का पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी का पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पे गोभी ले लिया है। तो फ्रेंड्स, गोभी को ना ऐसे रगड़ लेना है। तो हम रगड़ने के बाद आपको दिखाते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, हमने गोभी को ना ग्रेट कर दिया है। अगर इसमें बड़ा टुकड़ा हो गोभी का तो इसको निकाल देना है बीन के। और फ्रेंड्स, ये जो डंठल होता है ना, इसको नहीं घिसना है, सिर्फ उसका जो फूल होता है, ऊपर का पार्ट होता है, इसको घिसना है और इसको भैंस को खिला देना है। तो इधर देखिए फ्रेंड्स, हमने एक मिर्चा ले लिया है, छोटा पीस अदरक का ले लिया है, थोड़ा से लहसुन ले लिए हैं। फ्रेंड्स, इसको सबसे पहले ना कूट लेना है। तो इधर देखिए हमने इसको कूट लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टफिंग को ना रेडी नहीं करेंगे, इसको रेडी करके रख देंगे, क्या होगा गीला पड़ जाएगा। तो इससे पहले हम आटे को गूंथ लेते हैं, फिर स्टफिंग तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंथना है, जिस तरीके से आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हो ना, उसी तरीके से। और जब भी पराठा बनाए ना, उसके लिए थोड़ा से नरम आटा गूंथे, तब जो पराठा होता है ना, वो फटता नहीं है। तो इधर देख सकते हो आप सब, हमने आटे को गूंथ लिया है। हमारा जो आटा है एकदम लचीला है, तो बस इसी तरीके से आटे को ना गूंथ लेना है। तो हमारा जो आटा है ना गूंथा चुका है। तो चलिए हम फटाफट से स्टफिंग को रेडी कर लेते हैं। तो हमने अपने गैस को चालू करके कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं तेल। तो इधर देखिए, हमने कढ़ाई में तेल को डाल के रख दिया है। हमारा जो तेल है ना लाल हो गया है, तो जो तड़का है इसको इसी में डाल देते हैं। तड़के को ना हल्का से भून लेना है। और इसमें हम डाल देते हैं ना एक छोटा चम्मच जीरा। जब तड़का लाल हो जाए ना, तो ये जो गोभी है इसको भी इसी में डाल देना है और बढ़िया से इसको चलाना है, ऐसे गोभी की भुनाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, लगभग 3 मिनट तक ना ऐसे गोभी की भुनाई करनी है। भुनाई करने से क्या होता है, जो गोभी का कच्चापन होता है निकल जाता है और ये जो गोभी है पक भी जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्वाद के लिए इसमें ऐड कर देते हैं नेबुआ। अगर आपके पास नेबुआ ना हो तो आप अमचूर पाउडर को भी डाल सकते हो। इसको डालने से ना बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, इसको पकाते हुए हमारा 2 मिनट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं ना 1 चम्मच धनिया का पाउडर, और इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक। नमक में 1/2 चम्मच डाल देते हैं हल्दी का पाउडर। इसमें बहुत ज्यादा मसाला डालने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हमारा जो पराठा है ना बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, इसको भूनते हुए ना हमारा टोटल 3 मिनट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो जो गोभी है पक भी गया है, हमारा स्टफिंग रेडी है। तो अब हम अपने गैस को बंद करके इसको उतार देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको इसको भर के बताते हैं इसको भरा कैसे जाएगा। तो ऐसे मतलब एक लोई ले लेना है, लोई को ना थोड़ा बड़ा साइज का ही लेना है, ताकि ना स्टफिंग मतलब अच्छे से भरा जाए। अगर बड़ा साइज का लेंगे तो फटता नहीं है पराठा। तो लोई को कर लिया है हमने, इसको ऐसे फैला लेंगे हाथ के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हो हमने इसको फैला लिया है। अब करना क्या है, अपने स्टफिंग को ना इसी में भरना है। तो फ्रेंड्स, इसको हम पैक कर देते हैं। तरीके से भरेंगे ना तो जो स्टफिंग होता है नीचे बैठ जाता है और पराठा फटने का बिल्कुल चांस नहीं होता। और इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे मिला के सभी चीजों को इस तरीके से ना अंगूठे को अंदर रख के दबाना है स्टफिंग को, और साइड से ऐसे उठाना है। इसको ऐसे काट के एक्स्ट्रा जो आटा होता है ना निकाल देना है। और इसमें फिर से हम सूखा आटा लगाएंगे। लगाने के बाद ना ऐसे हाथ के द्वारा पहले प्रेस करना है, या फिर ऐसे फैला लीजिए। ऐसे क्या होता ना, ज्यादा आपको बेलना नहीं पड़ेगा और आपका जो पराठा है बिल्कुल फटेगा नहीं। तो बस एकदम हल्के हाथों से बेलना है। देख सकते हो हम इससे किस तरीके से बेल रहे हैं, कहीं से फट नहीं रहा है हमारा पराठा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कहीं से पराठा फटा नहीं है, हमने इसे बेल लिया है। तो चलिए फटाफट से इसको हम आपको बना के बताते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमने तवे को रख दिया है। हमारा जो तवा है ना गर्म हो चुका है, तो हम अपने इस पराठे को ना इसी पे डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे चेक कर लेना है। आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ हल्का से सिक गया है, इसको पलट देना है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे चेक करते रहना है। आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ हो चुका है। इसके ऊपर हम तेल लगा देते हैं, अच्छे से लगाना है। अब इसको पलट के फ्रेंड्स तेल लगा देते हैं, बढ़िया तरीके से तेल लगा देना है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारा जो पराठा है कितने अच्छे तरीके से फूल रहा है। इसको फ्रेंड्स ऐसे अलट पलट के बढ़िया से दबा दबा के ऐसे सेक लेना है।
तो फ्रेंड्स आप ये गोभी का जो पराठा है टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से ना हम अपना सारा पराठा बना लेते हैं, बनाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो इधर देखिए फ्रेंड्स हमारा जो पराठा था गोभी का ये बन गया है, हमने इसे बना दिया है, बहुत ज्यादा बढ़िया बना है। हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ज्यादा बढ़िया बना है हमारा ये पराठा। अगर आप सबको रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।